Hi guys, so today I'm making this ramen noodles. I don't know ki ye kaun sa brand hai, but I got this from a supermarket near me. Iska naam kuch Paldo karke hai. This is the first time I'm going to try. Otherwise, maine ek dusra dala tha apna video. Usme maine ko mention kara tha ki wo kaun sa tha. And I don't even know ki ye kaun sa flavor hai. Is it veg or non-veg? नहीं पता लग रहा, देख के बताती हूँ. वेल, इट सेज कि ये नॉनवेज है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा उठा के लाई हूँ ये. एंड सेकेंडली, ये है 125 रुपए का, विच आई थिंक इज बिट कॉस्टली. इसे पहले उबालते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे बनता है. ये जा रहा है पानी के अंदर. सो दो इसमें सैशेज आए हैं, एक इसका जिसमें कुछ राइस पेपर काइंड ऑफ अ थिंग होती है, एंड दिस इज सॉस, बट आई थिंक दिस इज चिली सॉस. नहीं, दिस इज कुछ कुछ सॉस. वैसे ये भी कोरियन नूडल्स ही हैं, सो इट्स मेड इन कोरिया. वैसे इन्हें नूडल्स कहो, चाउमिन कहो, कुछ भी कहो, बट मुझे ये मोटे वाले ही पसंद है. जो पतले पतले वाले आते हैं, आई डोंट लाइक देम. ये जिंदगी में खुल चुका है अपने बंधनों से. लुक एट दिस. मैं इसकी प्रोनंसिएशन गूगल पर देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं. फॉर मी इट सेज तुमसाए. पता नहीं. सो एनीबडी हु नोज हाउ टू प्रोनाउंस दिस, कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से. बाय द वे, नूडल्स को खो चुके हैं, अब इसको वाटर ड्रेन करती हूँ. सो इनटू दिस नूडल गोज मेरी सॉस, जो कि बहुत स्पाइसी है, तो मैं इसे कम ही डालूँगी. कहीं पता चला फिर बाद में दिक्कत हो, यू नो व्हाट आई मीन. भाई साहब, इसकी खुशबू से ही लग रहा है ये कितनी स्पाइसी होने वाली है. लेट मी मिक्स इट अच्छे से. वैसे तो मैंने इसमें मिला दिया है, बट पता नहीं क्यों मुझे ज़िंदगी में लगा कि थोड़ा सा और डालना चाहिए. बस इतना ही, वरना ज़्यादा हो जाएगा. इसे थोड़ा सा क्यों ना सूपी करा जाए. व्हाट्स इट. अब आएगा इसका आखिरी इंग्रेडिएंट, जो कि है कुछ फ्लेक्स. एंड इसमें राइस पेपर भी है यार, इसी दैट. एंड इसमें सीड्स और बाकी पता नहीं क्या क्या है, कुछ कलर कलर के अंदर था. अब आप देख लीजिए, गिव इट अ मिक्स. पहली बार इसको खाते हुए मुझे डर लग रहा है. डर आप समझ गए होंगे किस लिए, क्योंकि बहुत दिक्कत होने वाली है बाद में. वैसे मैंने सोचा कि आई वुड हैव एडेड गार्लिक ऑयल टू दिस, तो मज़े आ जाते, जो कि मैंने अभी नया नया बनाना सीखा है. सो मेरे नूडल्स तो बन के आ गए हैं, बट अभी ये गर्म हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगने वाले हैं. सो आई विल वेट फॉर सम टाइम. सो गाइज, अब टाइम है इसको ट्राई करने का. सो गाइस, ये हो गया ख़त्म. और मेरी हालत कुछ इस तरह है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी था. अगर आप लोगों को भी कोरियन नूडल्स पसंद है, बोले नहीं जा रहा अभी, तो मुझे कमेंट्स में बताओ. और कोई और नूडल रिकमेंड करने हैं वो भी बताओ, क्योंकि आई लव कोरियन नूडल्स. मतलब वो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया वो बहुत ज़्यादा हो गया, अदरवाइज इट वॉज टू गुड. नॉट टू गुड, बट वो स्मेल थोड़ी सी इरिटेट कर रही थी, बट अदरवाइज द टेस्ट वॉज गुड. ओके देन, बाय गाइज, सी यू.